लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर स्वागत है। इससे पहले पार्ट में हमने क्या परफेक्ट का देखिए वो नोट है अभी तक मिटा नहीं है, शायद एक डेढ़ घंटे पहले मैंने सेशन लिया था। तो क्या परफेक्ट का हम कहां तक देख चुके थे? असर्टिव पार्ट तक देख चुके थे। असर्टिव के दोनों पार्ट मैंने देख लिए थे इससे पहले वाली कवर। आज का इंट्रोगेटिव कवर करना है। इंट्रोगेटिव के बाद कुछ एडिशनल परफेक्ट में चीजें होंगी वो भी आपको बताएंगे। परफेक्ट मतलब रिसेंटली फिनिश्ड। चलिए आज इसका क्या इंट्रोगेटिव पार्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव पार्ट का एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या होता है? किसी भी टेंस के जड़ का स्ट्रक्चर ही होता है। परफेक्ट मतलब रिसेंटली फिनिश्ड। पिछला वीडियो आपने देखा होगा। आज हम इसका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देते हैं। इस इंटरोगेटिव में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे दो स्ट्रक्चर होते हैं? एक तो होता है क्वेश्चन वर्ड विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला, एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। तो पहले हम देखते हैं विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला। विदाउट अगर क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का उपयोग करेंगे। हैज या हैव के बाद हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। ये हो गया साधारण। इसका इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, एक विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड वाले विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव क्या किससे शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। देख सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लाएंगे? थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत आता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे? अदर वर्ड, जो भी फ्रेजेस जुड़े हों, उसके बाद हम लास्ट में अंत में क्या लगा देंगे? फुल क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब हम अगर क्वेश्चन वर्ड वाला हो तो सबसे पहले क्या लाएंगे? क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज या हैव के बाद हम क्या लाते हैं बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस क्या लाएंगे? अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चेक। ये स्ट्रक्चर हो गया आपके क्वेश्चन वर्ड वाला। और क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये आपके क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इन्हीं स्ट्रक्चर से सेंटेंसों की पहचान या टेंसेस की पहचान होती है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखकर, सेंटेंस यानी कि बात, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखकर आप टेंसेस की पहचान कर सकते। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैंने ले लिया क्या सीता खाना पका चुकी है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या सीता खाना पका चुकी है? चुका है जो कि मिला तुरंत हमें क्या है से हमने बताया था, है से मतलब प्रेजेंट, चुका जो कि मतलब परफेक्ट, जैसे रहा रही मतलब जारी यानी कि कॉन्टिन्यूअस, ऐसे पहचान करते हैं। ये प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट, तो ये हो गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे पहचान करते हैं। मतलब प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में कौन सा है? चुका वाला शब्द आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये परफेक्ट, क्या प्रेजेंट का परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है? रिसेंटली फिनिश्ड। परफेक्ट मींस रिसेंटली फिनिश्ड। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं। हमने पहचान लिया कौन सा स्ट्रक्चर है? विदाउट क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में ना हो, उस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए हम कौन सा
स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, पहले वाला ए नंबर वाला। ए के लिए क्या हैज या हैव, हैज या हैव में भी हमने बताया था सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का उपयोग करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ये हैज या हैव का उपयोग करते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बाकी वही होता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता हो गई, पका चुकना ये क्या होगी, वर्ब, खाना क्या हो गया, फूड क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो सीता के अनुसार क्या सिंगुलर है, हैज लाएंगे। सीता के अनुसार आपका क्या आ गया, हैज। उसके बाद हम आगे बढ़े तो उसने क्या रिक्वायर किया, भाई आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो अपने सब्जेक्ट ढूंढा, वाक्य में क्या है सब्जेक्ट आपकी बेटा, सीता है, ये आपकी सीता हो गई। उसके बाद आगे बढ़े तो उसने कहा कि बेटा वर्ब लेके आओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आओ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, मैन वर्ब की थर्ड। मैन वर्ब क्या है, पकाना, कुक, कुक माने पकाना, सी डबल ओ के, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती, कोकड़ है, कोकड़ है, कोकड़ है। तो सीता है जो सीता कोकड़। आगे बढ़े तो उसने कहा ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, तो द फूड। आगे बढ़े अदर्स है, अदर तो कुछ बच नहीं रहा सेंटेंस, फिर तो छोड़ तो नहीं बच रहा अदर, तो आगे बढ़े इसने कहा भाई क्वेश्चन मार्क और लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाए। अब आपका सेंटेंस फिनिश हो गया, क्या सीता खाना पका चुकी है, तो हैज सीता कुक्ड द फूड, हैज सीता कुक्ड द फूड। अब इसमें एक समस्या आती है कि दो स्ट्रक्चर हम और बढ़ा सकते हैं इसमें, क्या नहीं वाला, तो ये हमने सभी में बताया अगर नॉट का प्रयोग हो रहा है इंट्रोगेटिव में वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, उसमें भी नोट लगा के लिखाया था, इसमें भी लिख लो, शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बता दिया था, यदि इंट्रोगेटिव शॉर्ट में लिख रहे हैं सेंटेंस में मैं नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आता है तो उसकी मीनिंग, यानी कि कोष्टक में क्या लिखेंगे, मीनिंग यानी कि नॉट, यदि इंटरो पूरा लिखना इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द, क्या बोलते जा रहे हैं कि राइटिंग कुछ वैसा लगे, नहीं शब्द आता है तो उसकी मीनिंग यानी कि नॉट, एंटर उसकी नहीं की मीनिंग क्या होती, नॉट का प्रयोग प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो ये नोट टाइप का लिखा दिया, इससे दो स्ट्रक्चर आपके बच गए, यहां हम लिखते हैज हैव सब्जेक्ट उसके बाद नोट फिर थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर, ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट फिर नोट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। तो ये नोट का मतलब क्या है, सीधा बता दिया है कि अगर कहते हैं कि क्या सीता खाना नहीं पका चुकी है तो क्या हो जाएगा, हैज सीता सब्जेक्ट के बाद नॉट कुक्ड द फूड। ये नोट यही कह रहा है यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो उसकी मीनिंग हम नॉट का प्रयोग, इसकी मीनिंग कोष्टक में नॉट लगाएं कि नहीं की मीनिंग का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं, यहां सब्जेक्ट ये है तो इसके बाद करेंगे, यहां सब्जेक्ट ये है तो इसके बाद करेंगे, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी उचित लगे आपको। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल और रह गया इसका, क्या बी नंबर यानी क्वेश्चन वर्ड वाला,
रोहित ने अपना गृह कार्य कब खत्म किया? रोहित ने अपना गृह कार्य कब खत्म किया? किया है क्वेश्चन मार्क चेक पूछ दिया कि भाई रोहित ने अपना गृह कार्य कब खत्म किया है? रोहित ने अपना गृह कार्य कब खत्म किया है? है से हम कैसे पहचानते है का मतलब ये क्या है बेटा? प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है? इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसाइड इसके आगे वाला वर्ड क्रिया का लाभ शब्द करेगा। जैसे ता है ती है तो प्रेजेंट कह देते थे, रहा है रहा, रा मगर मिल जाता है यानी कि जारी कॉन्टिन्यूअस, चौका चुकी यानी कि आ ई ए आ जाए तो क्या परफेक्ट है, किया आ मिल गया। आ ई ए का मतलब क्या है? आ मतलब परफेक्ट, आ मतलब परफेक्ट, इसका मतलब दोनों मिल गए। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पीपीटी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसमें भी कौन सा है? क्वेश्चन मार्क चला है, क्वेश्चन मार्क वाला बीच में शब्द लगा है, क्वेश्चन वर्ड कब, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट के क्वेश्चन मार्क वाला ये वाक्य है। अगर क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्वेश्चन मार्क को ही फॉलो करेगा। अब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या इसने कहा कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमें क्या मिला? कब। कब की स्पेलिंग क्या होती है? व्हेन, व्हेन लिख दिया। उसके बाद इसने डिमांड की हैज या हैव, तो रोहित को देखना पड़ेगा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज। रोहित को देखना पड़ेगा, रोहित कह रहे हैं हम सिंगुलर है तो आप हैज लगा दीजिए, आगे बढ़ेंगे क्या? सब्जेक्ट रोहित है, रोहित को लाइए, रोहित आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? खत्म करना। वर्ब क्या है? खत्म करना, एंडेड या फिनिश्ड। यहां एंडेड नहीं लग के क्या फिनिश, किसी कार्य को समाप्त करना या होमवर्क होता उसे क्या लगाते हैं? फिनिश। तो एफ आई एन आई एस एच ई डी, व्हेन हैज रोहित फिनिश्ड। अब क्या ऑब्जेक्ट लाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? तुमने कहा कि वर्ब से आप प्रश्न करेंगे तो वो तुरंत बता देगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या फिनिश्ड किया, क्या खत्म किया। तो उत्तर क्या मिला? अपना गृह कार्य, हिज होम, गृह कार्य यानी कि होम वर्क क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन गया। रोहित ने अपना गृह कार्य कब खत्म किया? तो व्हेन हैज रोहित फिनिश्ड हिज होम वर्क, अंत में क्या क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये आपका स्ट्रक्चर खत्म हो चुका। मैंने बताया सर परफेक्ट में नोट कर दीजिए, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। फ्रेजेस कैसे जोड़े जाते हैं ये तो आपको पता चल ही गए, अगर बड़ा सेंटेंस कर दें तो बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको दिमाग में सेट होगा, नहीं तो आज पढ़ेंगे भूल जाएंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, क्योंकि आज अब आपका क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो चुका है, आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म कराएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस खत्म होते ही आपका प्रेजेंट का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट में और कुछ आपको नहीं पढ़ना होगा टेंसेस में। उसके बाद हम पास्ट लेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप सभी को जुड़ने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कहीं किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।